उत्तर प्रदेश के युवक सुंदरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। वे साइकिल पर सवार होकर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और इस दौरान जगह जगह पर रुक रुक कर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। वे स्कूलों में जाकर भी बच्चों को पर्यावरण और स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। आज हमीरपुर पहुंचे सुंदरम ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि पहले चरण में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में 1,25,000 पौधे लगाए हैं, जबकि दूसरे चरण में वे साइकिल पर यात्रा कर लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सुंदरम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर राज्य है, लेकिन सड़कों के किनारे पेड़ों का काटा जाना चिंता का विषय है। उन्होंने अवैध खनन पर भी रोक लगाने की बात कही। उन्होंने लोगों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। हिमाचल काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो मेन समस्या है जो मुझे लग रही कि यहाँ पे लैंडस्लाइड, जो पत्थरों का गिरना टूटना इस तरह के, और वो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि जैसे माइनिंग कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो जो पेड़ काटे जाते हैं उनको पेड़ को उठाकर एक जगह लगाया जाए, ना कि उनको काटा जाए, उठा के एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। और जो ये माइनिंग हो रही है जगह जगह, ये जो कुशल लोग हैं उसमें केवल उनकी फाइलों को, उनके आदेश को ऑफिस में ना रखा जाए और उनको जो है यहाँ पे लागू किया जाए, उन्हीं लोगों से माइनिंग कराई जाए। और हिमाचल तो काफ़ी स्वच्छ है, लेकिन हिमाचल वासियों को और सोचना है कि और स्वच्छ और सुंदर हिमाचल इसको बनाना है।